बीते महीने की 17 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर से जघन्य अपराध की खबर आई थी। एक किरायेदार ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग बेटी थे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने 5 सितंबर को पकड़ लिया और इस गिरफ्तारी में पुलिस की मदद की खोजी कुत्ते ने। दरअसल आरोपी ने एक हथौड़े से इस घटना को अंजाम दिया था और हथियार घर के पिछवाड़े में छिपा दिया था, लेकिन पुलिस हथियार तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर रेस्क्यू को आया खोजे कुत्ता और पुलिस को इस हथियार तक पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस इस आरोपी को पकड़ सकी। बहरहाल खोजे कुत्तों की मदद से क्राइम की गुत्थी सुलझाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुत्ते सालों से, एक्चुअली दशकों से, सेना और पुलिस को चालाकी और वफादारी का सबूत देते आ रहे हैं, उनकी मदद करते आ रहे हैं। तो आज के आसान भाषा के इस किश्त में हम इन्हीं वफादार साथियों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कुत्तों को सेना और पुलिस बल में जगह कैसे मिले, पुलिस बल में शामिल होने वाले कुत्तों का चुनाव कैसे होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और किन किन जगहों पर पुलिस खोजे कुत्तों का इस्तेमाल करती है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से, 1914 से 1918 का दौर। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थीं और दूसरी तरफ मित्र देश। दोनों गुटों की सेनाएं युद्ध के मैदान में थीं, लेकिन सैनिकों के अलावा एक दूसरी प्रजाति भी थी जो युद्ध में अपने हिस्से का योगदान दे रही थी। ये प्रजाति थी कुत्ता। दोनों गुटों ने अपने सैन्य बल में कुत्तों को भी जगह दी थी, इस मकसद से कि कुत्ते सैनिकों के साथी की तरह काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, सैनिकों को अपनापन महसूस कराएंगे। लेकिन कुत्ते इस सोच से कहीं आगे निकले। कॉर्पोरेट घरानों में एक टर्म प्रचलित है, ओवर परफॉर्मर, वही जो हमेशा उम्मीद से ज्यादा और सुंदर परफॉर्म करते हैं। कुत्ते भी खुद को उसी कैटेगरी का साबित कर निकले। वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई पहुंचाते, कोई सैनिक कहीं घायल दिखता तो दूसरे सैनिकों को जाकर इत्तला भी करते, और ये मुमकिन हो सका कुत्तों की नायाब सूंघने की क्षमता की वजह से। युद्ध खत्म होने के बाद काफ़ी हद तक ये बात साबित हो चली थी कि कुत्ते पालतू जानवर होने के अलावा कई और भी ज़रूरी कामों में इंसानों के साथ खड़े हो सकते हैं। लिहाजा धीरे धीरे दुश्मनों की टुकड़ियों का पता लगाने के लिए, छिपे हुए विस्फोटकों का पता लगाने के लिए उन्हें काम में लिया जाने लगा, और अब तो पुलिस फोर्स में भी कुत्तों का बहुत जोर शोर से इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस्तेमाल शब्द तो छोटा हो जाएगा, पुलिस फोर्स में बकायदा एक डेडिकेटेड डॉग स्क्वाड बनाए जाने लगे हैं। उन्हें भी सिपाही के बराबर की इज्जत मिलती है, वैल्यू मिलती है। कुत्तों को पुलिस बल में कब से जगह मिली, जब हमने इस बारे में खंगालने की कोशिश की तो इतिहास हमें इसके तार बेल्जियम के घेट शहर से जोड़ता हुआ दिखता है। 1900 का शुरुआती समय था, प्रथम विश्व युद्ध से भी पहले। घेट शहर में अपराध के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर जर्मन शेफर्ड की मदद ली गई, कुत्तों को पुलिस टुकड़ी में शामिल किया गया, उन्हें सड़कों पर गश्त लगाना सिखाया गया, गंध का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई और ये उपाय उनके काम आया। कुत्तों ने पुलिस को अपराधियों तक पहुंचाना शुरू किया, पुराने अपराधी पकड़े गए और गश्त बढ़ने से नए अपराधों में भी कमी आई। घेट पुलिस की सफलता देख यूरोप के अन्य पुलिस विभागों में भी खोजे कुत्तों की जगह बना दी गई। जल्द ही पेरिस और लंदन में बकायदा डॉग पुलिस की एक टुकड़ी बना दी गई, नाम केनाइन यूनिट्स, क्योंकि केनाइन बोलते हुए कनाइन शब्द सा लगता है। कनाइन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे कुत्तों, भेड़ियों, लोमड़ी जैसी प्रजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप से निकला टर्म केनाइन यूनिट दुनिया भर में भी प्रचलित है। अन्य पुलिस फोर्सेज ने भी अपने यहाँ केनाइन डॉग स्क्वाड्स बना रखे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या खास है इस चार पैरों वाली प्रजाति में, तो इसका जवाब भी बताए देते हैं। हाँ, ये वीडियो देखने वाले आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि अरे हमें पता है कुत्ते की सूंघने की कैपेसिटी सबसे दमदार होती है। अच्छी बात है, आप जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में बताते हैं ताकि जो नहीं जानते हैं उन्हें भी इसका कारण पता चल सके। दरअसल इंसानों के अंदर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर नाम का एक सेंसर होता है जो किसी भी तरह की महक को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेवार होता है। एक इंसान में 60 लाख ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं, जबकि कुत्तों में इन्हीं रिसेप्टर्स की संख्या पूरे 3 करोड़ होती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को कुत्ते ने नहीं सूंघा मतलब उसमें महक ही नहीं है। जस्ट किडिंग। इन्हीं दैवीय बट नॉट सो दैवीय शक्तियों के आधार पर पुलिस बल में कुत्तों को जगह दी गई। क्राइम सीन की जांच से लेकर ड्रग विस्फोटक आइटम की तलाशी करनी हो, या फिर लाश की पहचान करनी हो, या फिर आरोपी की ट्रेसिंग करनी हो, इन तमाम चीज़ों में कुत्तों का बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया जाने लगा, जो पुलिस के लिए काफ़ी मददगार भी साबित हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी कुत्ते को फोर्स में रख लेती है। अमूमन जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, डॉबरमैन पिंचर,
कॉकर स्पैनियल और बेल्जियन मेलिनोइस जैसी ब्रीड्स को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इनमें इंटेलिजेंस, फुर्ती और सूंघने की क्षमता, साथ ही बहुत लंबे टाइम तक भूखे या प्यासे रहने की कैपेसिटी होती है। पुलिस या सेना कुत्तों को ट्रेनिंग सेंटर से खरीदते हैं। जी हाँ, कुत्तों को पुलिस बल में रखने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में भी BSF और NSG कुत्तों के लिए खास तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के आधार पर तैयार किए गए हैं। इंडियन आर्मी में तो खुद का अपना डॉग ट्रेनिंग स्कूल है। मेरठ का RVC सेंटर एंड कॉलेज 1960 से स्निफर डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा है। इसके अलावा 3 और मुख्य सेंटर हैं जहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट में काम आने वाले कुत्तों की ट्रेनिंग होती है। पहला है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग NTCD BSF एकेडमी है जो ग्वालियर में है। दूसरा है 23rd बटालियन स्पेशल आर्म्ड फोर्स पुलिस डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो भोपाल में है, और तीसरा है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो पंचकुला में है। इन ट्रेनिंग सेंटर पर कुत्तों की ट्रेनिंग तो होती है लेकिन साथ में ब्रीडिंग भी होती है। पुलिस बल में जिस नस्ल को प्राथमिकता दी जाती है, जाहिर सी बात है उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है और ये बहुत महंगे आते हैं, इसलिए बेहतर है कि पुलिस उन्हें अपने ही ट्रेनिंग सेंटरों में ब्रीड कराए। उनकी जब ब्रीडिंग होती है तो उनका खरीदना सस्ता पड़ता है। कुत्तों की ट्रेनिंग का एक सेट फॉर्मूला नहीं है। आर्ट से लेकर के साइंस आधारित कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कुत्तों को मेनली 2 फेज में ट्रेन किया जाता है। NTCD की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक कुत्तों को 3 से 6 महीने का होते होते उन्हें बेसिक ट्रेनिंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले फेज में बहुत बेसिक ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में हैंडलर और डॉग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अपनापन डेवलप करते हैं। हैंडलर वो शख्स होता है जो कुत्तों को संभालता है। हर कुत्ते का अपना एक हैंडलर होता है और डॉग अपने हैंडलर से फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू की जाती है। उन्हें रिवॉर्ड देकर बेसिक कमांड फॉलो करना सिखाया जाता है, जैसे कि उठना, बैठना, कहने पर रुकना और कहने पर चलना, खिलौनों को पकड़ना, जैसी कोई छिपी हुई चीज़ को ढूंढ कर लेकर के आना। जैसे ही कुत्ता कमांड फॉलो करता है उसे बदले में बिस्किट या फिर हड्डी जैसी चीज़ें रिवॉर्ड के तौर पर दी जाती हैं। काम के बदले रिवॉर्ड किसे अच्छा नहीं लगता, डॉग्स को भी लगता है, और वो कमांड फॉलो करने में जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। उनमें एक बेसिक डिसिप्लिन आ जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, ताकि कल को हाई प्रेशर वाले माहौल में भी वो फोकस रहकर काम कर पाएं। इनमें ये ट्रेनिंग काम आती है। फिर बारी आती है दूसरे और इम्पॉर्टेंट पार्ट की, एडवांस ट्रेनिंग की। इसमें फिजिकल और फील्ड ट्रेनिंग होती है जहां उन्हें सेंट डिटेक्शन यानी कि महक पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी चीज़ को ट्रैक करने की ट्रेनिंग दी जाती है, सर्चिंग जैसे स्किल सिखाए जाते हैं। वैसे तो इसकी कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कुत्ते और हैंडलर दोनों का रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। टेस्ट पूरा होने के बाद डॉग्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से हैंडलर के साथ पुलिस फोर्स या सेना बल जहां से भी डिमांड आई है वहां भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी सेवाएं देते हैं। सेना बल से लेकर पुलिस की टुकड़ी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर बड़े बड़े क्राइम सीन की जांच में कुत्ते पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। दिल्ली पुलिस का अपना खुद का एक अलग डॉग स्क्वाड है। हालांकि हर कुत्ता पुलिस फोर्स में नहीं रखा जा सकता। कुत्तों को फोर्स में शामिल करते समय उनमें कुछ खासियतें देखी जाती हैं। देखा जाता है कि कौन सा कुत्ता हेल्दी है और अलर्ट है, इन्हें ट्रेन और कंट्रोल करना कितना आसान है। जिन कुत्तों में हाई स्टेमिना होता है, जो फोकस्ड रहते हैं, शिकार करने की भूख होती है, उन्हें ही चुना जाता है। और ये भी देखा जाता है कि कहीं ये कुत्ता आसानी से तो बोर नहीं हो जा रहा, उस तरह के कुत्तों को फोर्स में रखने से बचा जाता है। कई लोगों को लगता है कि डॉग स्क्वाड में शामिल सभी कुत्तों को एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे देश में कई तरह के सुरक्षा बल हैं जो अलग अलग स्थितियों को संभालने के लिए बनाए गए हैं, उसी तरह से कुत्तों की ट्रेनिंग भी विभिन्न स्थितियों के हिसाब से होती है। मसलन पेट्रोलिंग डॉग्स जो होते हैं, इन कुत्तों को गश्त लगाने के लिए ही काम में लिया जाता है। उन्हें विस्फोटक या फिर अन्य चीज़ों का पता लगाने के लिए, एविडेंसी खोजने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। बम का पता लगाने के लिए बॉम्ब डिटेक्शन डॉग्स लाए जाते हैं, ये तो और भी बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। बम में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक को सूंघने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। एक्सप्लोसिव मिलने पर ये हल्ला नहीं मचाते, ये चुपके से अपने ट्रेनर को इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि एक्सप्लोसिव वाली जगह पर हल्ला मचा तो खतरा हो सकता है। किसी इवेंट या सरकारी प्रोग्राम या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह पर आपको जो कुत्ते दिखते हैं वो यही कुत्ते होते हैं। फिर आते हैं नारकोटिक्स डॉग्स।
एयरपोर्ट पर कस्टम में या फिर बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी चेक होती है, इन कुत्तों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सामानों को, गाड़ियों को सूंघ कर ये बता देते हैं कि इनमें कहीं कोई ड्रग तो नहीं है। इनके हैंडलर इन्हें ड्रग्स महकाते हैं, जिससे कुत्ते ड्रग्स की महक याद कर लेते हैं, और मौके पर जब इन्हें छोड़ा जाता है तो ये सूंघ कर बता देते हैं कि फला जगह पर या फिर किसी चीज़ में ड्रग्स तो नहीं है। अगले आते हैं सर्च और रेस्क्यू डॉग्स। ये कुत्ते मैदान से लेकर जंगल, नदियों में भी तलाशी के लिए ट्रेंड होते हैं। ये बेहद फुर्तीले और स्ट्रांग स्टेमिना वाले होते हैं। कई बार खबर आई होगी कि लोग पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गए। ऐसे लोगों को खोजने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू कैटेगरी वाले डॉग्स का इस्तेमाल होता है। बॉडी डिटेक्टर डॉग्स जो होते हैं, वो जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग कभी गिर गई, बाढ़ में घर बह गए, भूकंप आ गया, ऐसी जगहों पर पुलिस के लिए इंसानी शव या फिर जख्मी लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बॉडी डिटेक्टर डॉग काम आते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डॉग्स जो होते हैं, वो क्राइम सीन पर खून या हथियार या किसी अन्य सबूत को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह ट्रैकिंग डॉग्स भी होते हैं, जो अलग होते हैं। जिन मामलों में पुलिस को लगता है कि आरोपी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वहाँ पर पुलिस ट्रैकिंग डॉग्स का इस्तेमाल करती है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डॉग्स, वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए भी कुत्तों का इस्तेमाल होता है। इन्हें अवैध शिकार रोकने, शिकारियों को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया साथ मिलकर ऐसे डॉग्स को ट्रेनिंग देता है। जनवरी 2012 में झारखंड के डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक हाथी की मौत हो गई थी। इसे शिकारियों ने मारा था और दांत चोरी कर छिपा दिए थे। वन अधिकारियों को जब हाथी का शव मिला तो उसके दांत गायब दिखे। पुलिस ने ट्रेसी नाम की स्निफर को बुलाया। ट्रेसी ने कुछ ही देर में हाथी के दांत खोज निकाले, जो वहीं जंगल में छिपाए गए थे। जैकी नाम के एक और स्निफर ने 2010 में होशंगाबाद में दो शिकारियों को पकड़ने में मदद की थी। आंध्र प्रदेश में भी लाल चंदन की तस्करी रोकने के से लेकर नक्सली प्रभावित इलाकों में भी खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज्यादातर डॉग्स सिंगल पर्पज ट्रेन होते हैं, मतलब एक काम के लिए, मगर कुछ डुअल पर्पज के लिए भी ट्रेन किए जाते हैं। उन्हें डुअल पर्पज डॉग्स कहते हैं। डुअल पर्पज से मतलब है एक कुत्ता लेकिन दो तरह की चीजों को ट्रेस करने के लिए या ट्रैक करने के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे मान लेते कोई डुअल पर्पज कुत्ता है जो नारकोटिक्स और एक्सप्लोसिव दोनों ही चीजों को ट्रेस कर सकता है, वो दोनों ही चीजों में ट्रेन किया गया है, ड्रग की तलाशी में भी और विस्फोटकों की तलाशी में भी। वैसे तो डॉग्स की सेवाएं सिर्फ पुलिस और मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है, लेकिन आज के आसान भाषा की किश्त में चूंकि हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं डॉग्स पर है, इसलिए हम दूसरे किस्म के डॉग्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, मगर थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर दे सकते हैं। एक सर्विस डॉग्स भी होते हैं। सर्विस डॉग मतलब ऐसे डॉग जो मेडिकली लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसे डॉग को कई तरीके से ट्रेन किया जाता है, मसलन तनावग्रस्त लोगों के बीच में रहने के लिए, अस्पताल में अपनी सेवा देने के लिए। इन्हें थेरेपी डॉग भी कहा जाता है। हाल ही में खत्म हुई पेरिस ओलंपिक्स में ऐसे ही एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग बीगन की खूब चर्चा हुई थी। बीगन को अमेरिकी जिम्नास्टिक्स टीम के साथ रखा गया था। कई बार ऐसे डॉग अकेले रह रहे मरीज के साथ भी रहते हैं। अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उसका असर दिखने पर उन्हें और दूसरे लोगों को अलर्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनकी दवाई भी लाकर देते हैं। अंधे या कम अंधे लोगों के गाइड का काम भी सर्विस डॉग करते हैं। आपको कुछ फेमस केसेस के बारे में भी बताते हैं जहाँ पर कुत्तों की समझदारी से, सूझबूझ से कई जानों को बचाया गया। 1980 और 1990 का दौर, ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार नाम का आए दिन सुर्खियों में जिक्र होता था। एस्कोबार ने कोकीन के धंधे से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई करवाता था। पुलिस को इसकी खबर थी लेकिन उसके हाथ में कोई ठोस सुराग नहीं था, कोई भी हथकंडा काम नहीं आ रहा था। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्निफर डॉग्स को काम पर लगाया। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और समुद्री पोर्ट्स पर कुत्ते लगाए गए और आखिर में कई टन छुपी हुई कोकीन पकड़ी गई। सबसे ज्यादा नाम हुआ मैक्स नाम के स्निफर डॉग का। उसने पाब्लो के टायर्स से लेकर कॉफिन्स में छिपाए हुए ड्रग्स का भंडाफोड़ किया। कहा जाता है कि एस्कोबार इन स्निफर से इतना चिढ़ गया कि उसने मैक्स जैसे स्निफर को पकड़ने वालों के लिए इनाम देने की घोषणा तक कर दी, जो बताता है कि खुद एस्कोबार भी मानता था कि स्निफर डॉग ड्रग्स पकड़ने में कितने कारगर थे। इसी तरह लंदन में जुलाई 2005 में चार अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए जिसमें 52 लोगों की जान चली गई थी। 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस को डर था कि कहीं और धमाके ना हो, इसके लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली गई, जो खास तौर पर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए ट्रेन हुए थे। बस्टर नाम के खोजी स्निफर ने धमाके के आसपास वाली जगहों पर चौकड़ी लगाई और कई अन्य विस्फोटक डिवाइसेस का पता लगाया, जिन्हें पुलिस ने डिफ्यूज किया और धमाके होने से रोक लिया गया।
इंडिया में भी स्निफर डॉग्स का काफ़ी अलग अलग मामलों में अलग अलग केसेस में इस्तेमाल होता रहा है। 2008 में मुंबई हमलों में स्निफर डॉग्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। धमाकों के बाद पूरी मुंबई दहल गई थी, चारों तरफ पुलिस थी, आतंकियों ने कहीं और विस्फोटक तो नहीं छिपाए हैं, इसका पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली गई थी। इसके बाद 2012 का निर्भया केस, उस समय भी दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली थी। उनकी मदद से ही पुलिस पता लगा पाई कि आरोपी कहाँ कहाँ गए थे। इस तरह पुलिस को पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट कर पाने में मदद मिली और आखिरकार निर्भया को इंसाफ दिया जा सका। अभी पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ उसमें भी भारत के K9 और उनके हैंडलर्स ने अपनी सेवा दी थी। इस यूनिट में अलग अलग ब्रीड के 10 कुत्ते थे। इसमें 6 बेल्जियन शेफर्ड्स, 3 जर्मन शेफर्ड्स और 1 लैब्राडोर रिट्रीवर था और उनके साथ 17 हैंडलर गए थे। कुल मिलाकर कुत्तों ने एक बार नहीं, बार बार, हर बार अपनी काबिलियत को इंसानी जमात के लिए साबित किया है। कुत्ते हमारी जिंदगी के उन अनसंग हीरो की तरह हैं जिन पर सबकी नजर नहीं जाती। जाते जाते आपको तेरी मेहरबानियां के टाइटल सॉन्ग के साथ छोड़ जाते हैं, सॉरी नहीं चला सकते, स्ट्राइक आ जाएगा, आप खुद प्ले कर लीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही, आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।